हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू टीम आईएएस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी जो भी आने वाले एग्जाम है। आज का हमारा वीडियो जो है दैट इज रिगार्डिंग द रेलेवेंस ऑफ योजना मैगजीन। योजना मैगजीन जो है हर मंथ यह मैगजीन आती है और कैसे ये आपके एग्जाम के लिए ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस है, हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग यह भी चर्चा करेंगे कि इस मैगजीन को कैसे आपको पढ़ना है ताकि आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिले। आपको समझना है कि जो योजना मैगजीन है दिस इज बीइंग पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हाउस है वह इसे पब्लिश करती है, तो इस कारण से क्या है कि इसके जो डेटा हैं, इसके जो रिपोर्ट्स हैं, इनकी एक्यूरेसी होती है। सिंस दिस मैगजीन इज बीइंग पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, और इसीलिए चूंकि ये एक्यूरेसी ज्यादा है इसीलिए इसके डेटा और रिपोर्ट्स की वैलिडिटी है कंपेयर टू अदर मैगजीन्स विच आर नॉट पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। अब योजना मैगजीन जो है यह है खास करके बीपीएससी में इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब एक ऐसे पेपर है, और आप समझ सकते हैं कि ऐसे पेपर एक ऐसा पेपर होता है जहां की आपकी ओरिजिनैलिटी इन योर राइटिंग, आपकी राइटिंग में जो ओरिजिनैलिटी होती है, द पेपर चेकर सर्च फॉर द ओरिजिनैलिटी इन योर ओन लैंग्वेज। तो ओरिजिनैलिटी अगर आपको अपनी राइटिंग में लानी है, अपने थॉट प्रोसेस में अगर लाना है, तो यह मैगजीन योजना मैगजीन अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आप हर मंथ का योजना मैगजीन जो एग्जाम ओरिएंटेड ही हो पढ़ें। बाय एंड लार्ज आप देखिए तो लगभग हर महीने का जो टॉपिक होता है वो एग्जाम ओरिएंटेड होता है। एक्सेप्शनल है कुछ मंथ जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो वह आप छोड़ सकते हैं। अदरवाइज यू शुड रीड द योजना मैगजीन ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। डू अंडरस्टैंड दैट आंसर राइटिंग जो होती है, आंसर राइटिंग में योजना मैगजीन इज इंडिस्पेंसेबल, क्योंकि आंसर राइटिंग में आपकी जो कंटेंट की क्वालिटी है वह योजना मैगजीन बहुत ही इनरिच कर देगा। खास करके इंट्रोडक्शन का पोर्शन आप देखेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंट्रोडक्शन का जो पोर्शन है आपका क्वालिटी उसका इनरिच होता है। प्लस यू विल ऑल्सो फाइंड दैट द बॉडी पोर्शन एंड द कॉन्क्लूशन कैन ऑल्सो बी इनरिच्ड एज फार एज फ्रॉम दिस सोर्स इज कंसर्न। तो इसको कैसे आपको रीड करना है विथ लेस एफर्ट, हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको इस योजना मैगजीन को आप कैसे यूज कर सकते हैं अच्छे आंसर राइटिंग में, और आपके मार्क्स भी जो मेन्स स्टेज में अधिक से अधिक आए, इसीलिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है। उससे पहले कि हम लोग जो मेन टॉपिक को शुरू करें, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, डू प्रेस द बेल आइकन एंड प्लीज ऑल्सो लाइक एंड कमेंट। लेट्स स्टार्ट विथ द मेन टॉपिक। यह देखिए, यह जो एडिशन है योजना का, दिस इज ऑफ अक्टूबर 2023, और इसमें आना है एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ जो स्पेशल टॉपिक्स है मैं उसी के बारे में बात करूंगा। आप उस हिसाब से आप समझ जाएंगे कि कैसे आप उसको रीड करेंगे। आप देखें कि एडिटोरियल सेक्शन जो है इसमें आपको बहुत सारा ऐसे कंटेंट मिलेंगे जो आपकी राइटिंग की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने में दिस विल हेल्प अ लॉट। यू सी हाउ द ओपनिंग सेंटेंस, अंडरस्टैंड दैट दिस इश्यू ऑफ अक्टूबर इज ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए इसमें जो जो इनिशियल पैराग्राफ है देखिए कितना अच्छे से लिखा है। अ वेल निट एंड कोऑर्डिनेटेड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। देखिए बहुत ही पॉजिटिव इंट्रोडक्शन दिख रहा है। इसी तरह से आपको आंसर राइटिंग भी करनी है, की वर्ड्स को लेना है जिसमें कि रेल, रोड, कोस्टल शिपिंग, एयर ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। यू सी हाउ The sentence has been framed that transport has recorded substantial growth over the years, both in the spread of the network and in the output.
यू सी जो मिनिस्ट्री इनसे कंसर्न है इंफ्रास्ट्रक्चर से, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो आप इस तरह के जो अच्छे क्वालिटी के वर्ड्स हैं, की टर्म्स हैं, वह आप अपने आंसर में यूज कर सकते हो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो। उसके अलावा कुछ की टर्म्स आप देखो जो इसमें आपको दिखेगा, दैट इज हाउ मॉडल मिक्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की वर्ड्स है। फिर यू हैव रिड्यूस्ड लॉजिस्टिक कॉस्ट, यह आप यूज कर सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर के टॉपिक पे अगर लिखते हो तो। फिर देखिए एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को आप यूज कर सकते हो। देन यू सी यू हैव होलिस्टिक प्लानिंग की वर्ड्स है, जो पेपर चेकर होते हैं जब इस तरह का की वर्ड्स आप यूज करते हो तो वह इम्प्रेस्ड होते हैं और आपको ज्यादा नंबर देते हैं। फिर देखिए एक गवर्नमेंट स्कीम के बारे में चर्चा, इसमें देखिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये सभी की वर्ड्स हैं जो आपको यूज करना है। फिर देखिए सीमलेस मूवमेंट ऑफ पीपल गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री, अगेन दिस इज अ की वर्ड बीइंग यूज्ड। देन यू सी यू हैव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, देखिए कितने सारे की वर्ड्स आपको मिल रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पर देखिए सेवन इंजिन्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के सेवन इंजिन्स है जिसमें कि रेलवेज, रोड्स, यू हैव पोर्ट्स, वाटरवेज, एयरपोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। फिर कुछ स्कीम्स के बारे में चर्चा है अपार्ट फ्रॉम पीएम गति शक्ति, अपार्ट फ्रॉम पीएम गति, कुछ की स्कीम्स के बारे में चर्चा है तो भारतमाला है, सागरमाला है, इनलैंड वाटरवेज है, ड्राईलैंड पोर्ट्स, उड़ान एंड सो ऑन। फिर इकोनॉमिक जोन्स है, तो ये सब कुछ की वर्ड्स हैं जो कि आपको यूज करना है। हम लोग आगे चलते हैं, ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, आदित्य L1 इम्पॉर्टेंट है। हम लोग कुछ कुछ जो टॉपिक्स हैं जो आंसर राइटिंग में आपका यूज होगा, देखिए इसमें जो ये है यू विल फाइंड, ये देखिए स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है BPSC, इससे लगभग हर सेकेंड बार जो मेंस होता है आप देखिएगा स्पेस टेक्नोलॉजी से सवाल रहता है। और यह आर्टिकल देखिए इसमें क्या है कि शुरुआत से लेकर जो भारत का जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इसरो, इट हैज टॉक्ड अबाउट, और किस तरह से स्पेस टेक्नोलॉजी जो है हमारा प्रोग्रेस किया है और कैसे ये इन द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन दिस स्पेस टेक्नोलॉजी हैज प्लेड अ की रोल, इसके बारे में चर्चा है। तो आप प्लीज इसको जरूर पढ़िएगा, इससे आपका कंटेंट इनरिच होगा। प्लीज अंडरस्टैंड, जो इस प्रकार का कंटेंट आपको मोस्ट ऑफ द मैगजीन्स में नहीं मिलेगा, इवन इन अ न्यूज़पेपर यू विल नॉट फाइंड कि इतना सारा कंप्लीट कंटेंट आपको किसी न्यूज़पेपर में मिले। तो अगर आपको अपने आंसर राइटिंग और कंटेंट को इनरिच करना है तो यह टॉपिक जो अक्टूबर 2023 का है, इसमें जो स्पेस टेक्नोलॉजी का टॉपिक है, इसको प्लीज़ इसको पढ़िएगा, बहुत सारे फैक्ट्स आपको मिलेंगे। और किस तरह से स्पेस टेक्नोलॉजी सिंस बिगनिंग जब शुरुआत हुई भारत में से लेकर 2023 तक, इसका आपको सारा इवेंट्स के बारे में यहाँ चर्चा है। सो इसको आप जरूर पढ़ें। उसके बाद आते हैं तो देखिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके बारे में है। देखिए इसका जो ओपनिंग सेंटेंस होता है अमूमन वह इंट्रोडक्शन में सीधा हम लोग ले सकते हैं आंसर राइटिंग में। यू सी हाउ रोड्स बोथ इन नंबर एंड क्वालिटी हैव बीन एन इंपॉर्टेंट ड्राइवर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल इंक्लूसन। देखिए इस की वर्ड को समझिए, कैसे आप इसको इंट्रोडक्शन में ले सकते हैं कि चर्चा हो रही है रोड्स के बारे में, रोड्स कितनी संख्या में है भारत में और उनकी क्वालिटी कैसे है और कैसे वह इम्पॉर्टेंट ड्राइवर बनता है आर्थिक विकास में, आर्थिक विकास दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल इंक्लूसन, यानी कि समाज के हर वर्ग को इंक्लूड करता है ये, हर कोई इसका यूज कर सकता है और एक दूसरे से मिलना आसान हो जाता है अगर सड़क की स्थिति अच्छी है तो। यू सी हाउ बहुत ही अच्छा की वर्ड्स यूज किया जाता है। And you understand there are so many facts which you can use. We have talked at the initial part of the video. आपको government schemes भी बहुत सारे मिलेंगे, जैसे कि the PM ग्राम सड़क योजना के बारे में चर्चा है, तो ये सब भी आप अपने examples में इसको आप ले सकते हो। It's a very good article.
डू रीड इट, दिस विल सर्टनली इनरिच योर क्वालिटी ऑफ आंसर राइटिंग. देन अगेन यू फाइंड दैट जो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें भी देखिए बहुत सारे रिच डेटा आपको मिलेंगे, बहुत सारे रिच डेटा मिलेंगे. रेल का डिस्टेंस है, इसका जो रूट लेंथ है कितना है वो, और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो हैं आप इसको देख सकते हो. फैक्ट्स आपको बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे फैक्ट्स मिलेंगे रिगार्डिंग द जोनल रेलवेज, और हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ हैं इसको आप देख सकते हो. जहाँ जहाँ आपको इम्पोर्टेंट लगे तो आप प्लीज़ इसको ले लो. इंफ्रास्ट्रक्चर का दिस इज ऑल्सो अ वेरी की पॉइंट, दैट इज द नेशनल रेल प्लान. यू कैन रेफर टू दिस एंड गिव एग्जाम्पल्स. जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात हो, देन यू हैव द फ्लैगशिप स्कीम, इसको कहा जाए द वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी ये है, इसके बारे में आप लिख सकते हो. सम फैक्ट्स आर ऑल्सो देयर रिगार्डिंग G20 प्रेसिडेंसी. आप देखिए एक मैगजीन में आपको कितने सारे कंटेंट मिल रहे हैं आंसर राइटिंग के लिए, यू जस्ट सी. और देखिए इस तरह से ऑनरेबल पीएम का जो स्टेटमेंट है आप अपने इंट्रोडक्शन में या जो आंसर राइटिंग करेंगे उसमें यूज कर सकते हैं. हाउ द 21st सेंचुरी इज अ टाइम दैट हैज द पोटेंशियल टू गिव अ न्यू डायरेक्शन टू द एंटायर वर्ल्ड. इट इज अ टाइम व्हेन इयर्स ओल्ड चैलेंजेस डिमांड न्यू सॉल्यूशंस फ्रॉम अस. Therefore, we must move forward by fulfilling all our responsibilities with a human-centric approach. इस तरह का जब आप इंट्रोडक्शन, अगर यह कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है अगर आप लिखते हो तो प्लीज अंडरस्टैंड एंड यू कैन कोट कर दें ऑनरेबल पीएम को, तो उससे आपके एक दो नंबर बढ़ सकते हैं. सिमिलरली हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें देखिए आंसर राइटिंग जब आप करते हैं तो देखिए किस तरह से है. जो न्यू इंडिया का मंत्र जो है, जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो रिफॉर्म परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, इस तरह से कुछ आप लिख दोगे तो यह ध्यान खींचता है जो पेपर चिकर होते हैं उनका. देन यू सी यू हैव डिमोग्राफी, यू हैव डिमोक्रेसी एंड यू हैव डाइवर्सिटी, दैट इज पार्ट ऑफ त्रिवेणी. यह आप लिख सकते हो जिससे कि आपके नंबर बढ़ेंगे इस तरह के की वर्ड्स को जब आप यूज करोगे तो. और कुछ फैक्ट्स भी यहाँ पर हैं. आप देखिए कि जो 77th इंडिपेंडेंस डे स्पीच वॉज गिवन बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, तो दिख यू सी कि अलग अलग जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, से फॉर एग्जांपल द मुद्रा स्कीम, इसके तहत क्या क्या अचीवमेंट्स हुए हैं अभी तक. देन यू हैव जन औषधि केंद्रास के बारे में है, देन स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में है. देन यू सी हाउ मेनी इम्पॉर्टेंट स्कीम्स आर देयर, लाइक वन रैंक वन पेंशन स्कीम, देन वेरी इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन इज देयर, देन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज देयर. बहुत सारे पॉइंट्स आप ले सकते हो. पीएम आवास योजना इज देयर, यहाँ से डायरेक्टली आप फैक्ट्स उठा सकते हो. देन हाउ द अमाउंट बींग स्पेंड बाय द लोकल गवर्नमेंट्स, एंड यू कैन ऑल्सो साइट द एग्जाम्पल ऑफ हर घर जल अंडर दी जल जीवन मिशन. आप देखिए कि किस तरह से जो है बहुत सारे आप यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, यह टॉपिक भी एग्रीकल्चर जो है BPSC अक्सर पूछते रहता है. देखिए इसका जो ओपनिंग सेंटेंस है कितना अच्छा है, जो आप अपने इंट्रोडक्शन में दे सकते हो. अटेनिंग सेल्फ सफिशियंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन हैज बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सिंस इंडिपेंडेंस. यू सी सच अ पावरफुल सेंटेंस इट इज. अब देखिए एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो था, इंडिया वॉज अ फूड डेफिसिट कंट्री, फूड ग्रेन इम्पोर्टिंग कंट्री इट वॉज इन द ईयर 1950s एंड 1960s. अभी जो है आप देखिए कि हाउ इंडिया हैज बिकम अ सरप्लस जनरेटिंग एंड लीडिंग एक्सपोर्टिंग कंट्री, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ राइस एंड वीट. फिर आप देखिए दिस हैज़ ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन, इसके बारे में बात हुई है. देन यू हैव हाई यील्डिंग वराइटीज, और उसमें जो फेवरेबल पॉलिसीज बीइंग परस्यूड बाय द गवर्नमेंट, आप जिसमें कि देख सकते हो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइजेज है एंड द पॉलिसी ऑन द प्रोक्योरमेंट, इसके बारे में है. हाउ इंडिया हैज़ बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मैनी एग्रीकल्चर कमोडिटीज, और इस तरह के जब आप
कीवर्ड्स इंट्रोडक्शन में लिखते हो, बिलीव मी आपको नंबर भर भर के आएंगे। अगर आप इस तरह का बैलेंस्ड इंट्रोडक्शन लिखते हो, एक पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक जो सेंटेंस होता है, वर्ड्स होता है, जब आप वह यूज करे हुए। देखिए बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में यहाँ चर्चा है, जैसे कि अन्न योजना के बारे में चर्चा है, फिर यू हैव द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में चर्चा है। यू सी हाउ मच द गवर्नमेंट स्कीम इज देयर। देन यू हैव द स्कीम विच प्रोवाइड्स लोन टू फार्मर्स, उसके बारे में चर्चा है। सो यू कैन वेल अंडरस्टैंड। यू सी देखिए फैक्ट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, आप देखिए कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है, जो आज़ादी के समय में एट द टाइम ऑफ 1950-51 हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था, फूड ग्रेन प्रोडक्शन था, उसकी मात्रा कितनी थी और 2022-23 में कितना हो गया है। यू अंडरस्टैंड, इस तरह के डेटा आपको आंसर राइटिंग में करनी ही चाहिए, तभी आपको अच्छे नंबर आएंगे। यू सी वेरी इनरिच डेटा, दिस इज वेरी इनरिच डेटा। आप देखिए फूड ग्रेन का, आप देख लीजिए सीरियल्स का, देख लीजिए राइस, व्हीट हो गया, पल्सेस हो गया। 1950-51 में क्या उस वक्त था प्रोडक्शन की स्थिति, और 22-23 में देखिए, आप देखिए कि कितना इनरिच डेटा आपको यहां मिल रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ। सो दिस इज अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर, सो मच डाटा यू विल फाइंड। देखिए there is again about the net sown area, the percentage of net irrigated area, then how much fertilizer is being consumed, यह data आपको 1950-51 का है। आप comparative जो data है 2019-20 का आप दे सकते हो। you have soil health card के बारे में दे रखा है, you understand। और उसके अलावा देखिए बहुत सारे schemes हैं, जैसे कि you have command area development program के बारे में चर्चा है, then you have accelerated irrigation benefit program is there। तो ये सब आप example को cite कर सकते हो, quote कर सकते हो अपने answer में। then you have choose the national agriculture market e-NAM is there, ये सब आप use कर सकते हो। and this is also about G20, तो ये article आपको बहुत जगह ऐसा मिल जाएगा, तो this also is the very important। So the point is that कैसे आप योजना मैगजीन को अपने आंसर राइटिंग को बूस्ट कर सकते हो। The purpose of this video was to help you to understand as to how why you should read योजना on a regular basis। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप योजना मैगजीन के इम्पॉर्टेंस को समझेंगे कि कैसे आपकी आंसर राइटिंग में जो कंटेंट इनरिचमेंट होता है, जो अच्छे पॉइंट्स कीवर्ड्स अगर आपको चाहिए तो इस मैगजीन को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। आपको अच्छे नंबर आएंगे खास कर ऐसे सेक्शन में। हम जल्द ही अगले इश्यू के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे, अगला वीडियो के साथ, और उसमें भी हम लोग एग्ज़ाम के जो अलग अलग पहलू हैं उसके बारे में चर्चा होगी, ताकि आपकी प्रेपरेशन मजबूत हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू टीम IAS यूट्यूब चैनल, डू प्रेस द बेल आइकन, डू लाइक एंड कमेंट। वी शैल मीट शॉर्टली, अंटिल देन गुड बाय।